ओके भाई लोग, है मुफासा की मूवी के ट्रेलर का रिएक्शन कर लेते हैं अब। हाँ आई नो मैं शेव मैंने किया, मैं क्लीन शेव ट्राई कर रहा था बट आधे में दिख गया कि भाई यार मैं कैसा दिख रहा हूँ। सो गलतियाँ हो जाती हैं मर्द से भी। खैर हमेशा मर्द ने अपनी दाढ़ी बनाने के बाद ही खुद को कोसा है। खैर अभी क्या कर सकते, अपनी खेती है, दोबारा से वापस आ जाएगी। रिएक्शन करते हैं, देखते हैं मुफासा क्या हुआ इस बार। पिछली बार हिंदी में शाहरुख खान ने आवाज़ दी थी ना, इस बार भी दे दे यार, मतलब वो सही लगता है। मतलब किंग किंग आउटसाइडर और जिस तरीके से ग्रो करता है वो। ओके okay. तो 3 2 1 चल। This story begins far beyond the mountains and the shadows. On the other side of the light. A lion was born without a drop of nobility in his blood. मेरे को गूज़बम्स आए भाई। A lion who would change our lives forever. Mufasa. बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत। The earth will shake. वो टिमोन था क्या वहां पे? ऐसा गूस बम्स आया भाई मेरे को, अभी भी आया कसम से यार। ओ भाई यार, पहले से ज्यादा स्टाइलाइज भी किया हुआ है इन्होंने, काफी स्टाइलाइज। वो जैसे नहीं कि कोई पेंटिंग की तरह बड़ा क्रीमी लुक है, अब आई थिंक अच्छा लगता है वो भी। एंड कितना चूतिया लग रहा हूँ यार, मतलब शेव करा ली था यार, कभी नहीं करूँगा। खैर हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से यार शाहरुख खान की आवाज़ में मैं ये तो ज़रूर देखना चाहूँगा, ठीक ना। खैर वो पूरी बचपन की कहानी, पता नहीं सूट करेगा कि नहीं वो, क्योंकि बचपन की आवाज़ अलग होती है और एक्चुअली में बड़े होने की आवाज़ अलग होती है। खैर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये पुराना ओजी डिज्नी जो होता है, जो आपको देखने में आपको प्यार महसूस करा देता है, आपका दिल वार्म कर देता है ना, गूज बम्स आए ऐसे ट्रेलर ही देख के। मूवी देखूंगा यार, मैं देखूंगा। अभी देख के फील हुआ कि यार कितना मिस कर रहा था मैं पुराने डिज्नी को। खैर तुम अपने ओपिनियंस बताओ तुम्हें कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा।